हमारे हिंदुस्तान की वो बुलंद आवाज जो आज हमारे शहर पटियाला में पीर बाबा रोडेशिया वली मोहम्मद शहनशाह जी के दरबार में हाजिरी लगवाने के लिए यहां पे तशरीफ फरमा हुए हैं, दिल की गहराइयों से हम सब भाई का इस्तकबाल करते हैं जो आज बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ आपके साथ हमारे अदर भाई, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा और उनका सारा परिवार अदर है। क्या बात है, हयात फैमिली। पीर बाबा नौ गजा साहब फिर आंदे पीर सैयद इब्राहिम दरबार से हमारे बीच पहुंचे हैं।
साईं मंगल शाह जी, साईं मंगल शाह जी मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा पीर बाबा नौगजा दरबार से, और उनके साथ ताज केटर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हमारे सनी जी, पोला जी, मोहन जी, सभी का स्वागत करूंगा। और हमारे डीजे डॉल्स एंटरटेनर्स, डीजे डॉल्स एंटरटेनर्स, डीजे डॉल्स एंटरटेनर्स के ऑर्गेनाइजर जनाब जतिन जॉली जी मैं सबका स्वागत, हमारे बीच पहुंचे हैं साईं मंगल शाह जी, साईं मंगल शाह जी मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा पीर बाबा नौगजा दरबार से, और उनके साथ ताज केटर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर हमारे सनी जी, पोला जी, मोहन जी, सभी का स्वागत करूंगा। और हमारे डीजे डॉल्स एंटरटेनर्स, डीजे डॉल्स एंटरटेनर्स, डीजे डॉल्स एंटरटेनर्स के ऑर्गेनाइजर जनाब जतिन जॉली जी मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा। आज हमारे अमन चीमा जी, मोहन जी, सभी का स्वागत है। एक तहजीब होती है जब हम किसी गायक का गाना गाते हैं तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। लेकिन उन गाने वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे कोई दुश्मन नहीं, सभी मेरे दोस्त हैं, शायद इसके बाद मेरे को अनाउंसिंग के लिए बुला ही नहीं हो, लेकिन कहना चाहूंगा मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, क्या गाने वालों तुम चूल्हा चढ़ा के गाते हो, जब गाया नहीं जाता तो गला पकड़ के बैठ जाते हो, क्योंकि अभी जो सुर लगे थे आप सुनेंगे कि ये वाह क्या ही सुर लग रहे हैं। एक तहजीब होती है जब हम किसी का गाना गाते हैं, डीजे पेश कराओ, हमसर भाई का गाया हुआ गीत जो किया पेश कर रहा हूं, हमसर भाई का गाया हुआ गीत दीवाना तेरा आया बाबा तेरी श्रेणी में, थोड़ा नोट कर ले जो मेरे यहां पे दोस्त करें, जोरदार तालियां बजा के इजाजत दीजिए। अरे ऐसे नहीं, ठीक थी, इजाजत नहीं चाहिए मेरे को, दोनों हाथ ऊपर उठाकर भाई। कल गुरदास मान साहब आए और ऐसे ही मेला सजा था, और आज आप आए हो, लोग बड़े ही प्यार से आपका इंतजार कर रहे थे। और मैं पीर बाबा रोडेशा वली मोहम्मद शहनशाह दरबार की ओर से, हमारे अम्मी जान की ओर से, एस डी बादशाह खान साहब शौकत अली की ओर से आपका स्वागत करता हूं। यार तालियां बजाते रहिए, क्योंकि तालियां जो है ना, हम कलाकारों के लिए चवन प्राश का काम करती है। और मैं जो ड्यूटी ऑफिसर, हमसे विनती करूंगा कि हमसे भाई आ चुके हैं, अब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऑडियंस को बिठाने की, मुझे इनका तरीका पता है ये कैसे बिठाते हैं, ये अपने आप बिठा लेते हैं। मैं अम्मी जान को सुबह बता रहा था, सर कल थोड़ा हो गया था गड़बड़ थी, और मैं अम्मी जान को बता रहा, कहते बेटा आज ध्यान रखना, तो मैंने कहा आज जो आने वालों अपने आप ही बिठा लेता। हाँ जी, सो जो लेडीज के पीछे जो यहाँ पे जेंट्स बैठे हैं वो थोड़ा साइड पे, आपके चरणों में बेचती है। ये बात साबित हो गया, जोरदार तालियां बजाएं भाई इनके लिए। और 10 मिनट के लिए थोड़ा सा बैलेंस ही करवा दें, साउंड
आपके कदमों में जो भी सर झुकाते हैं, आपके कदमों में जो भी सर झुकाते हैं, अरे आपके कदमों में जो भी सर झुकाते हैं, आपके कदमों में जो भी सर झुकाते हैं, और लोटी सा उस पे रहमत बन के छाते हैं। जिसका साईं से रिश्ता है दोनों हाथ ऊपर करेंगे, कौन कौन मेरे साईं को मानता है, अरे इनसे हमारा, अरे इनसे हमारा रिश्ता पुराना लगता है, इनसे हमारा रिश्ता पुराना लगता है, दुखियों का तो ही ठिकाना लगता है, सबसे पुराना लगता है, दुखियों का तो ही अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आपको पता है मेरा वसूल है ना, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं और ना अपने आप को समझता हूं, ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि मैं फालतू नहीं हूं, ये सच है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे कहने की जरूरत है मैं कौन हूं, मेरा चेहरा मेरी किताब है, बोल साईं नाथ महाराज की। आज मुझे पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड ने जो इज्जत मान सम्मान दिया है उसमें सबसे बड़ा हाथ जिसने मुझे पैदा किया वो परमात्मा, जिसने मेरी परवरिश की वो मेरे माँ बाप, और जिसने मुझे दुनिया में पहुंचाया वो मेरे गरीब नवाज और साईं का करम है। मैं चाहूँगा साईं के लिए जोरदार ताली बजाएंगे मेरे बाबा के लिए साईंनाथ जी के। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि शिरडी के साईंनाथ को सबका ख्याल है, शिरडी के साईंनाथ को सबका ख्याल है, अरे कोई ये भी जाके पूछता है बाबा तुम्हारा क्या हाल है, आए आए आए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं आप सभी से निवेदन करूँगा अपना सर ढक हाथ जोड़ के निवेदन, माता बहनों से अपने सर पर दुपट्टा रख लेना, दुपट्टा अगर नहीं है तो पड़ोसन से ले लो, इसलिए दुपट्टा बड़ा होता है, हाँ ये बात। और जितने भी लोग खड़े हैं और जो लोग बैठे हैं अगर किसी के पास पटका है रुमाल है तो अपना सर ढक लें। शपथ गुरबाणी माता की तारा रानी और अल्लाह की मेहरबानी श्री गणेश मिलन के सर नहीं बैठते, ये सूफी संतों का हुक्म है। हाँ तो आपके सामने
मैं वही माहौल सब तक पहुंचाता रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है। कोई मुझे सुने ना सुने मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो है मालिक वो सबकी सुनता है, अगर वो मेरी नहीं सुनेगा मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। शुक्रिया। तो गणेश वंदना पेश करो, कौन को सुनेगा गणेश वंदना? हाँ हाथ पे करो, यहाँ पर धर्म कर्म की बात ना करो, सिर्फ अपनी इबादत की बात करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी के बदले बन के आए हैं, दोनों हाथ पकड़ेंगे।
दोनों हाथ उठा करेंगे जो उस भगवान उस रब उस परमात्मा के बंदे बन के आए हैं, हाथ उठा करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बस शुक्रिया, थैंक यू, बस और कुछ नहीं चाहिए। जो हाथ उठा नहीं करेगा उसे अपनी जवानी की कसम, जीने का सबक सीखा साईं के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की। कौन को रहा है तकदीर बनाने? Oh, no, no, no.
पैसा जरूरत है, मजबूरी नहीं। पैसा जरूरत है, मजबूरी नहीं। और इबादत पूजा मजबूरी है, जरूरत नहीं। क्योंकि जब इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि मैंने कोई काम किया, अब परमात्मा अल्लाह करेगा, तो बड़ा कौन? भगवान। वो परमात्मा जो बल कमांडर है, हाथ उठा। 1, 2, 3 राम जी चुटकी का सिंदूर लगा रहे। राम जी कहने की सुन, इसमें राम
सारी सच्चाई एक तरफ मेरे राम का प्यार, एक तरफ मेरे राम मुझे अपना प्यार करते हैं। कहना सीता मैया आप चुपके में सिंदूर लगाती है, राम जी आपको अपना प्यार करते हैं, तो हनुमान जी ने क्या करा, पूरा सिंदूर अपने बदन पर मल लिया। कहने जब चुपके से अपना प्यार करते हैं, अगर पूरे बदन पर मल होगा राम जी मुझे कितना प्यार करेंगे रे। ये सारा स्वागत की डेफिनेशन है। अजय बाप का मान टाइटल हाथ पर, वन टू थ्री जो औरत को कत्ल करते हैं उन मुसलमानों को निकाह पढ़ाने का भी हक। अगर ये औरत नहीं रहेगी तो कंजके किसकी बिठाएगा, अगर ये औरत नहीं रहेगी बिठाई किसकी गाएगा, अगर ये औरत नहीं रहेगी राखी किससे बनवाएगा, अगर ये औरत नहीं रहेगी गर्लफ्रेंड किसको बनाएगा। अंग्रेजी में आई वांट अ फ्रेंडशिप यू, बड़े स्टार में लो 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 हनी सिंह को। अरे मेरे भाई उससे डर, जो इस बात को मानता है हाथों पर ताली के साथ है ना, नादान है वो। अगर औरत बांध होती है तो तू कहां से आता है? अरे माता रानी को मानता है। दिल में सोचता है जल्दी आपके खत्म हो, दुकान पर कहां खड़े, ये कौन सी इबादत है? अल्लाह अल्लाह भर मेरा बंदा, कौन सी इबादत है मेरे भाई? या तो यार का होना, यार को अपना, और अगर यार को अपना नहीं बना सकता तो यार का तो कौन कौन होना चाहता है उस यार का? अगर बुरा लगे तो रोटी ज्यादा खा ले, तो अपने मुकद्दर की खा सकता है, मेरे मुकद्दर के ले जा नहीं सकता। अजय बात को बात करो हाथ पर, वन टू थ्री Ready, right?
किसकी है विश्की जी विक्रम है विश्की चल कहते हैं इसकी अरे तेरे पार्टी करने का फायदा क्या अगर एक गिलास पानी तो अपने पिता को नहीं पिला सकता कौन सी किताब में लिखा है जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है तो ना हाथ मार बेटी बात चलो बच्चे बच्चे को बताए अपने मतलब की बात किसी भी माँ की खिदमत करो जन्नत तो मिली जाएगी ये मात्र पैसा देता है बाबू पैसे की हवा लेगी पागल हो गया पागल है दिमाग खराब है तेरा अरे दादा अगर माँ के चरणों के नीचे जन्नत है स्वर्ग है तो बाप की पत्नी भी कम नहीं है बाप उसका दरवाजा है जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता ये मैं नहीं कह रहा लिखा हुआ है अजय बाप को माफ कर दो हाथ मदारी के साथ उसे अपने आने वाले अच्छे वक्त की तो समझ क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है पूरी दुनिया वक्त की और जो है बात को दोनों हाथ पकड़ेंगे वेरी वन टू थ्री समझा रहा है किसी की जिंदा मत कर किसी की जिंदा मत कर
सकता है जिसकी तू निंदा कर रहा है कोई तुझसे अच्छा हो जाए और तू सबसे बुरा हो जाए। मत कर निंदा, ये मेरे हाथ में है किसे बनाना है किसे बिगाड़ना है। अजो इस बात को मानता दो हाथ पर रेडी वन टू थ्री माता रानी। मेरे पति का धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, मेरे पति का धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, अच्छा चल गया ना तो मैं तेरे दरबार में सुनेगा छुत्र चुपाऊंगी। मुसलमान बहुत है मेरे मेरे दलील नवाज, मेरा काम भी बड़ा ठंडा चल रहा है, अगर मेरा भी काम अच्छा चल गया तो मैं स्विगी की बिरयानी बांटूंगा। ये तो मैं पहुंच गया शिवजी, काम बन गए कैसे पहुंचे बाबा के दरबार में। पहले पति के लिए पति कह लेगा बाबा मैंने नया काम शुरू किया है। बाबा ने मुझे कौन सा चला साइन चौपट लिया आपका बड़ा दौरा प्रॉपर्टी का। मेरा बाबा मेरा नया काम शुरू किया साइंस प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के लंबे मायने हैं जो पार्टी प्रॉपर पट्टी तो प्रॉपर्टी, जो पार्टी प्रॉपर पट्टी तो प्रॉपर्टी, अगर नहीं पट्टी तो इधर तो पट्टी तो कहां से रही प्रॉपर्टी। मेरा बाबा मेरा काम चल गया, मैं तेरा दौरा सोने का बर्बाद मुस्कुरा है फिर मुसलमान गए। मैंने बाबा मैंने भी नया काम शुरू किया, बाबा ने बोला कौन सा माल दो तो माल ऊपर से बोला मेरे भाई मार बन आए भाई वो भी गया तो कहेगा बाबा मेरा काम चल गया, मैं भी तेरे दरबार में सूजी की बिरयानी बांटूंगा। बाबा फिर मुस्कुराए, बाबा ने कहा बता कि तू मुझसे लेने आया है या देने आया है। क्या बोले? तू मुझसे लेने आया है या देने आया है। अरे किसी धर्म का भी आदमी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कभी मत कहना ये हो गया तो ये करूंगा ये बोल रहा। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ कर सके, हमारी औकात क्या है हम आपको क्या देंगे। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, उससे बेहतर कौन जाएगा। क्या बात है,
कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले
कहते हैं तो चल संतों से सीख। तो करो, दुनिया में सबसे आसान तरीका है उस परमात्मा को मनाने का, लाख पूजा कर लो, इबादत कर लो, लेकिन अगर सच्चे दिल से तूने उससे माफी मांग ली, वो उसे क्या माफ कर देगा। दोनों हाथ ऊपर, मेरी तौबा। हमारे काफी मुसलमान भाई बैठे हैं, हिंदू बंधु बैठे हैं, खता शैतान की भी इब्ने आदम माफ हो जाती, खता शैतान की भी इब्ने आदम माफ हो जाती, खता शैतान की भी इब्ने आदम माफ हो जाती, अगर अल्लाह से कह देता देखो मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, तौबा। हिंदुस्तान में आ जाए, खता खता रावण की भी लंका में जाके माफ हो जाती, खता रावण की भी लंका में जाके माफ हो जाती, खता रावण की भी लंका में जाके माफ हो जाती, अगर वो राम जी से कह देता मेरी तौबा, मेरी तौबा, मेरी तौबा, तौबा, तौबा। कीमत नहीं वो लाल बिका करते हैं, चांद की सूरत है, बेपर
ईमान धर्म साबित करने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। तो जो महसूस करना जानते हैं ना, हाथ पकड़े महसूस जो करते हैं वो हाथ पकड़े। ईमान धर्म महसूस करने की, जिसने उसको देखा उसका पर्दा हो गया, और जो उसको महसूस करता है वो आज भी सलामत हो गया। उसको देखना बच्चे का खेल नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं, ये मेरे पिताजी का शेर है, इधर मस्जिद इधर मस्जिद। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे, थोड़ा साउंड बढ़ा दी तो क्वालिटी दीजिए आप। इधर मस्जिद दोनों तो बढ़ाएंगे, इधर मस्जिद उधर मंदिर, इधर गुरुद्वार उधर गिरजा, 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 यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। तुझे सच से मतलब है, जहाँ चाहे वहाँ गिरजा, और कह दे बंदे को अच्छे मफहूम हर किसी के पचाने की चीज नहीं है। गाना बजाना पचाना है, सुनना सुनाना नहीं, गाना बजाना। जो पचाले उसके वाले के लिए, जो ना पचाए वो चला जाए। हाँ, शोर गाना नहीं है, शब्दों की अदायगी गाना है। और संगीत राजा साहब ने हवाली इजाद क्यों की, इसकी वजह यह है कि हरि नवल ने कहा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, कोई धर्म बुरा नहीं है, लेकिन जो इनको लड़ाता है वो इंसान बुरा है। हर धर्म में लिखा है बाबा, हर मजहब में लिखा है। किसी धर्म किसी ईमान को आप उंगली नहीं उठा सकते। वो नमाज पढ़ रहा है वो उसकी इबादत, को पूजा कर रहा है वो तेरी इबादत। हम तेरी इबादत में खलल नहीं डालते, तू किसी और की इबादत में खलल ना डाल। बहुत सारी नाम पढ़ा है, ये सच्चाई। जितने भी लोग बैठे, ख्वाजा साहब ने कव्वाली इजाद इसलिए की कि घर घर लोगों के तक सच्ची बात पहुंचे, ये कव्वाली है। जितने भी लोग बैठे हैं मेरे चाहने वालों की फरमाइश, कौन को सुनना चाहता है दीवाना कराया, कौन को सुनेगा भाई साहब, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मेरे आवाज को अच्छा कर दो। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन साउंड वाले निभाना आता है, तुम निभा दो। हाँ जी, हाँ क्या बात है। पाक थी मोहम्मद के शहर में, कौन को सुनेगा। इसके बाद सुनाऊंगा
मस्ती में गाते हैं, हम सॉन्ग के मस्ती में नहीं गाते। गाने को पकड़ो मत। जो बन के टूट जाते शिरडी में जाते हैं, जो बाबा को कौन को बना रहा है। हो सकता है अगले साल किसी ने मुझे बोला है कि हम चाहते हैं अगले साल पंजाब में राहत साहब आए, और अगर ऐसे ही साउंड मिला राहत साहब को तो मुझे लग रहा दो महीने तक उनकी आवाज नहीं भूली मिले, क्योंकि वो जैसा गाते हैं। हम दोनों तो बधाई के साथ रेडी 1 2 दीवाना हो गया, दीवाना हो गया।
दीवान हो गया। अरे बाबा जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसको अपने पड़ोसन की कसम। दुनिया ऊपर बाबा तेरी सिंगली मैं मदीना हो गया मदीना कहने दो कहने दो कहने दो सही बात बोलो मुझे कहने दो रहने दो रहने दो सही सन दो मुझे रहने दो रहने दो बस कहने दो कहने दो सही बात बोलो मुझे कहने दो। ओ शिरडी को छोड़ कर मैं कहीं और कैसे जाऊं। तो यही पाया बाबा तेरी शिरडी में यही पाया बाबा तेरी शिरडी में। दोनों तो बदलेंगे हाय हाय दरबारों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आते हैं। आते हैं कि नहीं? जो आते हैं हाथ पकड़े। भगवान नजर आया अल्लाह भी नजर भगवान नजर अरे अल्लाह भी नजर अल्लाह 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 लड़की पानी ले आई कौन पर ये कमला आ गया देखो आ गया दोनों दोनों क्या बात है रेडी 1 2 3 राम राम के अल्लाह भी नजर आया अरे भगवान नजर आया बाबा तेरी शिवजी
पैगंबर हाले मां जाओ रहमत दुनिया को मैं मदीने जरूर जाऊंगा मैं मदीने जरूर जाऊंगा फर्ज है इश्क का भरम रखूं और बाकी तैबा है छूने के लिए किस तरह मैं मां कदम रखूं मोहम्मद के शहर में शहर में मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में
सर के बल चले, तौबा का दर खुला है, तौबा का दर खुला है, मोहब्बत के शहर में शहर में मौजूद खुद खुदा है, मौजूद खुद खुदा है, मोहम्मद के शहर में शहर में आए मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, खुदा करे के मदीने में मौत आ जाए, खुदा करे के मदीने में मौत आ जाए, खुदा करे के मदीने में मौत आ जाए, वहीं की मिट्टी मिले और वहीं पे जा जाए, कहां मोहम्मद के शहर में।
خوش نصیب ہے جن کا ہے گھر مدینے میں برستا نور ہے شام و سحر مدینے میں خدا کبھی مجھے پہنچا دے گھر مدینے میں اے کاش ایسا ہو کہ سب لوگ یہ کہیں ہم سر بھی جا رہا ہے محمد کے شہر میں Okay.
से समझते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हाथ खोल के खड़े हो, हाथ खोलिए, क्योंकि जब तक तू हाथ खोलेगा नहीं, फैलाएगा नहीं, वो देने वाला देगा कैसे? और जो हाथ खोला के मांगने आए हैं, जो हाथ ऊपर कर दे, जिसे आपने नवाजा उसे क्या मिटाए दुनिया, जिसे आपने नवाजा उसे क्या मिटाए दुनिया। तेरी रहमतों के सदके, तेरी रहमतों के सदके, अरे ये गुलाब चल रहा है, उसे क्या मिटाए दुनिया,
आपकी नजर कर रहा हूँ जी दोनों हाथों पर करेंगे जो यहाँ पर हाथ लगा रहे हैं दोनों हाथों पर ये जो उस पे इसकी बरसात हो रही है ये आपको दिख कुछ रहा है लेकिन ये हो कुछ रहा है पूछो क्या है ऐसा नशा हुआ तुम्हें निस्बत के जाम का बेटी से महक रहा है दिलों का जहां बेटी से तो जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो मेरे नबी के चला खानदान बेटी से जरूरी ये नहीं बेटे से नाम रोशन हो मेरे नबी का चला खानदान बेटी से क्यों के मायूस ओडिशा सरकार का मायूस कभी इनका सवाल ही नहीं हो Let's go.
शर्म नहीं तो क्या है, बड़े दुख में कट रही थी मेरी जिंदगा की सैयद, बड़े दुख में कट रही थी मेरी जिंदगा की सैयद, मुझे आपने बचाया ये करम नहीं तो क्या है, तेरे दर की हाजिरी है रोटी शाम जो मैं पाकिस्तान गया तो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा फनकार होना बड़ी बात नहीं है, बड़ा
जब मैं पाकिस्तान में गया तो दूसरा खतर का नाम पूरी दुनिया जानती है, कोई ऐसा नहीं जानता है। जब मैं वहाँ गया यकीन करना दाता दरबार में लाहौर में मेरा प्रोग्राम था, और मैं हाथी देने गया तो मुझे खतर को पता चला कि इंडिया से आए हैं और निजामुद्दीन दरबार से आए हैं। तो आप यकीन मानना, एक तो इंडिया से आए हैं वो अपनी मोहब्बत, और जब उनको पता चला निजामुद्दीन औलिया से आए हैं तो उन्होंने ये कहा कि मैं बाद में गाऊँगा, मैं चाहूँगा पहले ये गाने। कितनी बड़ी बात है वरना आज के दौर में बहुत सा नाम हो जाए दिमाग खराब हो जाता है इंसान का, और हकीकत है नुसरत फरहत को शायद कवाली दुनिया में कोई ऐसा कवाल नहीं किस दौर का नया हो जो नए हैं उसने नुसरत फरहत को ना गाया हो। अगर कोई कहे कि नहीं गाया तो वो झूठ बोलता है। और ये आपने कहा था कि लोग काफ़ी जरूर है नाम नहीं लगे, तो मैंने नुसरत फरहत को बहुत गाया है बचपन से, और मैं उनको दिल से उस्ताद मानता हूँ। मैं चाहूँगा नुसरत फरहत को जोर लगाऊँ गाना बजाना बहुत अच्छा चीज़ है, हम लोग तो बहुत ही सकते हैं तो निभा रहा है। और काबे वाली गली भी शिया का मकान है, इसको बड़े दिल से सुनिएगा जो आपके सामने पेश करेंगे। जहाँ पता है आप जान सकते हैं दिल्ली में प्रेम फैला है, पंजाब अभी बहुत बढ़िया है, हमें जो करता हूँ पंजाब जैसा है ऐसा ही है तो किससे अच्छा हो पंजाब के लिए। अब दिल्ली में प्लेयर फैला है कि अगर कोई गाना है तो वहाँ पर चर्चा है कि ये मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा। आप यकीन करें दीवाना कराया 22 साल पुराना बना है कितना, और लोग कहते हैं मैंने गाया और किसने गाया वो नहीं कहता तो मैंने गाया कुमार देखिए, तो ये सच्चाई है 22 साल से आराम करता है। और आज मेरे बहुत अजीब सब चीज़ चला रहा है कि मैं अपने आप को साबित कर सकता था कि मैं सबसे चहिता हूँ, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, वो खुदों को साबित कर देना है क्योंकि चाहिए अपने सरकार के लिए। दोनों हाथों पर करेंगे जो अपने पीर अपने गुरु को मानते हैं, दोनों हाथों पर जोर लगाएंगे अपने पीरों के लिए अपने गुरुओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
कभी वादी गली बिच
कभी बन गली बिच आयो कभी बन गली बिच कभी बन गली बिच विषय पर लाइव बात कुछ लोगों ने देखा, उसके अंदर एक हजरत अली की शान में मैंने एक कलाम गाया था, उसकी फरमाइश है कुछ लोगों की। आपसे भी चाहूंगा भाई, रब जी गवाए चिड़े चिड़े साए, रब जी गवाए चिड़े चिड़े साए, जब दिया है ना वो दादा हमारे मौलाना साहब अली अली के नाम कोई सरदार है कोई सरदार है ते सड़े सड़े अली अली के खुदा का हमने तो बुत रात को खैबर कुशा कहा।
से पूछिएगा जिन्होंने खुदा कहा भाई अली के बारे में हमसे حضرت علی کا ذکر آئے اور امام کا ذکر آئے یہ تو کوئی نہیں سکتا علی علی کہتے ہیں کہ انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہوئی اتنا حسین شعر سنا نہیں ہوگا آج تک انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے اور انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے انہیں علی کی محبت تلاش کرتی ہے زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں ہم جنت کیوں مانگے کیونکہ ہم ان کے غلام ہیں صبح شام کون کون کہے گا جو میرے ساتھ ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر تالی کے ساتھ کہ مظہر رحمت کبریا بن گئے مظہر رحمت کبریا تو ہے کہ میں علی علی کیوں جپتا رہتا ہوں کہ مظہر رحمت کبریا بن گئے تنگ دستی میں دست خدا بن گئے عمر مشکل میں ساری گزاری کہتے ہیں اس واسطے لقب تیرا مولا علی ہوا اس پر بھی کہنا لکھی وہ بھی ولی ہوا لوگ جا رہے ہیں وہ ہاتھ اوپر رہے ہیں
जो नहीं जा रहे हैं मालूम हो रहे हैं। मेरे सभी चाहने वालों की फरमाइश है, रब्बा किसी की माना भरे, कौन कौन सुनेगा रब्बा किसी की माना भरे। सभी लोग बैठ जाए क्योंकि अब जो मैं कलाम पेश कर रहा हूँ ये सभी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसको बड़े दिल से सुना है। और ये कलाम नहीं बल्कि तसीर है और बंदा गरीब है, कौन कौन सुनेगा बंदा गरीब है, क्या बात है। चलो पहले बंदा गरीब सुना देते हैं, ठीक है। हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हमारी आदमी कबूल हो गई। हाँ यार, कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं कि हम सिंधी यात्रा में कब जा रहे हैं। अरे ओ साईं जी, ये बंदा गरीब है।
दादी ने मुझे रोने ना दिया, रोडी शाह ने रोने ना दिया।
मांगने को हद भी नहीं है। ओ साईं जी जे बत्ता سلام کے بعد اور شہید کے بعد قوالی نہیں ہوتی کیونکہ میں بھی خانقاہوں سے جڑا ہوا ہوں کیونکہ اس کے بعد اگر قوالی ہوگی تو پھر اگلے سال سلام اور شہید کے بعد قوالی نہیں ہوتی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جوگیا پیش کر دوں میں ان کے لیے ہاں جی کون کون سنے گا جوگیا جو پرسوں آئیں گے ان سے سنے گا شہید میں سنا تھا سلام بھی سنا تھا میرے پاس ہے ہر کام خاندانی ہے بھائی میں چھوٹی سی رسم ادا کرنا چاہتے ہیں میں ایس ڈی بھا خاص بادشاہ خان صاحب آ جائیں گے ہاں صاحب جی جی لاجی ارے واہ واہ کیا بات ہے آئیے حضور والا تشریف لائیں دربار کے سیوا دار نے ایس ڈی بادشاہ خان صاحب جو اپنے مبارک بادوں سے میں چاہوں گا زور دار ہی ہمارے زور دار ایس ڈی بادشاہ صاحب کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں اور میں مولانا مولوی صاحب ہمارے آئیے مولوی صاحب اور ہمارے منگل شاہ جی نو بجے جی مان سمان کی چھوٹی سی رسم میں نویدن کروں گا سنی جی تاج بیکر ہاں جی دوارا بھائی جی ہمارے سوس صاحب اپنے پیار کا اظہار کر دیں گے ہم سب بھائی اور اب میں ریکویسٹ کروں گا اطہر بھائی پلیز جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں حاضری لگوائی زوردار تالی ادب بھائی کے لیے اور پیر بابا رونی شاہ دربار کی طرف سے سائیں منگل شاہ جی کا سمان جو کہ نو گجا پیر دربار کے مکھیہ سیوا دار ہیں شاباش نو گجا پیر سید ابراہیم پیر سرکار کے مکھیہ سیوا دار ہمارے ماننیے ہمارے گرو جی سمان ہوگا جکارا پیر بابا نو گجا سر جی کا جکارا پیر بابا روڈے شاہ جی کا کیا بات ہے دیکھیے جیکارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم احسان نہیں کر رہے ان پہ ہم یہ ثابت کر رہے کہ ہم زندہ ہیں اور جو زندہ ہیں وہی جیکارا لگا اور میں نے کروں گا شوکت بھائی ایک مومنٹ اور تو آئیے ہمارے مظہر بھائی مظہر بھائی آپ کریں گے آپ ہمارا پریوار کوئی بات بھائی جو گیا شروع ہاں جی کیا بات ہے شکریہ مولانا صاحب سبحان اللہ بڑا اچھا لگا آپ لوگوں نے اتنی عزت کا میں بڑا شکر گزار ہوں اللہ آپ کو سلام کرتے بابا مراد شاہ میں حاضر ہوں اور پنڈی بابا
के पास भी आज से 6 साल पहले इन्हें हाथ लगाई थी और अभी यहाँ पर जब आया हूँ तो पंच पीर सरकार में हाथ लगाकर यहाँ पर आया और आज यहाँ पर हाथ लगा के कल फिर दिल्ली में हाथ लगाने जा रहा हूँ। तू ही दवा देगा तेरे नाम का मैंने रोग लिया और दुनिया मुझको पागल बोले 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 बोलेगा मैंने तेरे इश्क में जोग लिया कौन बंद हो गया है। Ready, one, two, three, four. जब तक नमाज के सजदे में सर अदा नहीं करेगा, सजदे में सर झुकाएगा नहीं, नमाज का निशान बनेगा नहीं। हजरत बाप को मानता है दोनों हाथ पर, सबसे लगा ले मस्जिद की मिट्टी, सबसे लगा ले मस्जिद की मिट्टी, आगे तन से रोगिया। लालू मोरी ही पत्ती, ऐसा तो हो नहीं सकता पंजाब में कोई शो हो लाल मोरी ना हो, दोनों पर लालू मोरी ही पत्ती रखियो बना झूले लाल अक्सर मैं
हाथ करेंगे जितने मेरे बॉडी मेरे भाई हैं, अक्सर मैं उनको बात करता हूँ कि ताकत इतनी ना बढ़ाओ, ताकत इतनी ना बढ़ाओ कि गुरु हो जाए। कुछ बॉडीगार्ड कुछ बॉडी वाले थे जो आपस में शोर आजमा रहे थे। मैंने कहा लड़ो मत, फैसला भी हो जाएगा। अकेले कैसे? मैंने कहा कुछ मत करो, आसमान पर थूक के दिखाओ। कहले कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने आसमान पर थूक दिया। जैसे आसमान पर थूका वो थूक आसमान पर निकला, उसके चेहरे बिगड़ा। मैंने कहा नादान, जब वो तेरा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरी अकल कैसे बर्दाश्त कर लेगा। सुखी फोटो लगी हमारे जितने भी इन सबको मैं बहुत बहुत सत श्रीकाल बाजी, सबको सत श्रीकाल, सबको आदाब, जय माता दी, खुदा हाफिज, थैंक यू, थैंक यू, जय सत श्रीकाल। थैंक यू। मैं हमसर भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा, बीरबा बरोड़े शाह बली मोहम्मद शहशाह दरबार की ओर से। क्या बात है, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कल जो महफिल है उसे भी साढ़े पंजाब